गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश। नमस्कार, मैं संयुक्ता। आइए, हमारा और एक न्यू एपिसोड में आप सभी को स्वागत कर रहे हैं। आज के लिए हमने कुछ न्यू कलेक्शन हमारे पास में आया हुआ है। सिल्क और कॉटन में बहुत सारी साड़ी आया हुआ है, उसमें से कुछ साड़ी हमने साट के लाए हैं आज के लिए एपिसोड में दिखाने के लिए। आइए देखते हैं सिल्क साड़ी। आप देखिए, ये सेल्फ कंट्रास्ट का है ये साड़ी। आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है, रेड कलर और इक्कत साड़ी, एक्सक्लूसिव इक्कत साड़ी आपके सामने में है। और इसमें बीच पे आप देखिए ये यंत्र इसमें काम किया हुआ है, जो ऐसा आप वास्तु का जो यंत्र होता है उसको इसमें विविंग करके उसको देखा जा रहा है आपको सामने में ये साड़ी का ऊपर में, आप देखिए। और इसका साथ में ये देखिए, इसका पॉलू है, पॉलू पूरा रेड है, बॉडी रेड और बॉर्डर रेड और पॉलू भी रेड, ये पूरा उधर कंट्रास्ट का ये साड़ी है। आप देख सकते हैं एक ही कलर का पूरी साड़ी। और इसमें ब्लाउज पीस भी रेड विद बॉर्डर, ये एक एक्सक्लूसिव सिल्क साड़ी आप देख रहे हैं, ये इक्कत का ऊपर में ये डिजाइन। आइए मैं इसको ड्रेस करके बताती हूँ। ये साड़ी का डिजाइन जो बना हुआ है, आप देख रहे हैं हर तंत्र बना हुआ है, जो लक्ष्मी जी का वगैरह होती है आप देख रहे हैं, पूरी साड़ी में तंत्र का साड़ी होती है। ये देखिए, ये ऑल ओवर बॉडी वर्क है। इसका पल्लू में देखिए बड़ा सा रंगोली का डिजाइन बना हुआ है, और उसमें स्तुति चिन्ह भी दिया हुआ है आप देख रहे हैं। एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन है ये वाला। और इसके साथ ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, बिल्कुल प्लेन है ये वाला। आइए और साड़ी आपको बताते हैं। ये वाला अब मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सोबर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट के साथ आप देख रहे हैं, ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन। और इसका जो बारीक डिजाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं, जो बारीक डिजाइन है इसमें माँ का शब्द यूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं हर लैंग्वेज का लेटर लिखा हुआ है इस साड़ी में। बहुत ही बारीक डिजाइन और लेटर बहुत ही परमानेंट पे आया है आप देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं ऐसा लेटर हमने हमारा वीवर्स ने लोग ने लिखा हुआ है लेते हैं इस साड़ी का ऊपर में। ऐसा कोई भी इक्कत साड़ी किसी का स्टेट में भी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हमारा ये उड़ीसा में ये जो इक्कत का साड़ी बन रहा है ऐसा प्रोमिनेंट पूरा आ रहा है, आपको देख के ही पता चल जाएगा ऐसा क्या लिखा हुआ है इसमें। हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सोबर कलर कॉम्बिनेशन का ये साड़ी से, ऑफ व्हाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन का ये साड़ी, बहुत ही सोबर कंट्रास्ट का ये साड़ी। और इसका साथ में आप देखिए इसका आंचल, देखिए आंचल भी पूरा काम किया हुआ है, इक्कत का काम है और ग्रे कलर का ऊपर में। और इसके साथ ये ब्लाउज पीस भी है ग्रे कलर की, ब्लाउज पीस इसका साथ में है। और ये आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर और विद बॉर्डर। तो आइए मैं इसको ड्रिप करके आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा आज का ये स्पेशल एपिसोड, और एक के बाद एक हम एक्सक्लूसिव साड़ी आपको दिखाते रहे। ये मास्टरपीस होती है, ये साड़ी के लिए भी अवार्ड पाया है वीवर्स ने, आप देखिए जिसने ये साड़ी को वीविंग किया है उसने बहुत सारे अवार्ड्स मिला है उनको। ये ऑल ओवर बॉडी का डिजाइन ही आ जाएगा, लेटर लिखा हुआ है, बहुत ही बारीक डिजाइन, बहुत मेहनत लगता है इस डिजाइन बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये साड़ी का डिजाइन, इसका बॉर्डर ट्रेडिशनल बॉर्डर के साथ। ये पल्लू की डिजाइन देखिए, पल्लू भी बहुत ही अलग सी डिफरेंट डिजाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं इक्कत की। और ये वाला आ जाएगा ब्लाउज पीस ग्रे कलर की बॉर्डर के साथ। आइए और एक साड़ी आपको बताते हैं। और ये साड़ी जो हम दिखा रहे हैं ये डबल इक्कत की साड़ी है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं बहुत ब्राइट कॉम्बिनेशन है इसका। और इसका पिंक के साथ ये मेजेंटा एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन आप देख कलर हमारे पास में, तो हमारे बहुत सारे हमने कलर दिखाया है, पिंक कलर का साड़ी दिखाया, लेकिन ये पिंक कलर आप देखिए ये डार्किस्ट पिंक कलर, जैसा कि आपने इस कलर को हमने मेजेंटा कलर बोलते हैं, ये मेजेंटा कलर का ऊपर में ये और ब्लैक कंट्रास्ट हमारा डबल इक्कत का ये कॉम्बिनेशन होता है, ब्लैक और रेड की होता है, लेकिन इसमें से हमने मेजेंटा और ब्लैक का कंट्रास्ट इसमें यूज किए हैं। और इसका बीच में आप देख सकते हैं ये डबल इक्कत का डिजाइन, और इसका न्यू पैटर्न में आया है, देखिए पूरा लाइनिंग दिया हुआ है एक डबल इक्कत की और एक प्लेन है स्ट्राइप में आप देख रहे हैं। इसका जो अलग अलग एकदम स्ट्राइप डिजाइन दिया हुआ है डबल इक्कत की, देखिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में ये साड़ी को बनाया है हमारा व्यूअर्स लोग, आप देख सकते हैं ये डबल इक्कत का डिजाइन। और इसी के साथ में ये आप देखिए इसका बॉर्डर है ब्लैक कलर,
दोनों तरफ ब्लैक कलर का बॉर्डर और इसके साथ में ये आंचल पूरा ब्लैक कलर और इकत की डिजाइन। ये भी एक डिफरेंट और न्यू कलेक्शन आप देख सकते हैं हमारा ये डबल इकत का ऊपर में, और इसके साथ में ये ब्लाउज पीस विद बॉर्डर। तो आइए मैं इसको ड्रेप करके आपको बताती हूँ। ये साड़ी हमने आपको बहुत सारी डबल इकत का डिजाइन दिखा है, लेकिन ये वाला डिजाइन एकदम डिफरेंट है, नया आया है। ये देखिए, ये पूरा बॉडी का डिजाइन ऐसे स्ट्राइप्स टाइप रहेगा और ये लंबा जैसे लगेगा। ये साड़ी देखिए, मैं डाल के आपको बताती हूँ। और ये इसका बॉर्डर ब्लैक कलर की ट्रेडिशनल बॉर्डर के साथ आप देख रहे हैं, ये पल्लू के डिजाइन इकत वाला है और बीच बीच में ये थ्रेड वर्क का लाइनिंग भी दिया हुआ है इसके साथ। और इसके साथ ब्लाउज कंट्रास्ट है ब्लैक कलर की। आइए और एक साड़ी आपको एक्सक्लूसिव दिखा दे। आप देख रहे हैं ये सब साड़ियाँ हमारे पास में, हमने न्यू कलेक्शन हमारे पास में आया हुआ है। इसमें से हमने कुछ साड़ी आपको आज का एपिसोड में हमने दिखाते रहे हैं, और ये साड़ी का आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट priyaodisha.com, उसी पर ही ये साड़ी का सब डिटेल्स मिल जाएगा। और एक आपके सामने में एक्सक्लूसिव इकत कलेक्शन सिल्क साड़ी, आप देखिए ये पूरा एनिमल शेप का ऊपर में ये पूरा बना हुआ है। ये साड़ी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जंगल इसमें बना हुआ है जिसमें एनिमल सब रहते हैं, सब एनिमल है यहाँ पर। उसी का थीम को लेके ये ब्लैक कलर का साड़ी आपके सामने में, ब्लैक और मेरून कंट्रास्ट का ये साड़ी है आप देख सकते हैं पूरा बीच में, और उसके ये इकत का बॉर्डर दिया हुआ है ये साड़ी में, इकत का बॉर्डर है और मेरून कलर कॉम्बिनेशन का ये आप देखते हैं इसका आंचल है। पूरे ट्राइबल का ये साड़ी बना हुआ है, जैसे कि हमारा थीम सेव एनिमल उसी को लेकर ये साड़ी बना हुआ है आप देखिए। इसको जंगल साड़ी भी बोलते हैं क्योंकि हर तरीके का पशु पक्षी यहाँ पर है एनिमल्स। तो इसका ब्लाउज पीस मेरून कलर की बॉर्डर के साथ आ जाएगी। और तो मैं इसको ड्रेप करके बताती हूँ। ये साड़ी, ये जो हमारी ट्रेडिशनल साड़ी होती है ना कुछ इसमें स्टोरी होती है, तो इस साड़ी में से भी स्टोरी है। जैसा कि हमारा एनिमल रहते हैं जहाँ पर, वहाँ का ये सेव एनिमल लेकर ये वाला थीम बना हुआ है ये साड़ी का ऊपर में। और इसका बॉर्डर भी बहुत ही डिफरेंट देख रहे हैं, इसका एक रुद्राक्ष बॉर्डर दिया हुआ है और इकत का डिजाइन दिया हुआ है आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर दिया हुआ है। और इसके साथ ये आ जाएगा पल्लू की डिजाइन, पल्लू में एकदम ट्राइबल लुक जैसे रहते हैं उसी का ही लोकेशन दिया हुआ है, पल्लू में भी एक स्टोरी है आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये आ जाएगी ब्लाउज पीस बॉर्डर के साथ। आइए और एक साड़ी आपको दिखा दें। ये वाला देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है जो ग्रे के साथ रेड कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ये वाला साड़ी एक सोबर कलर कॉम्बिनेशन का ये साड़ी से, और इसमें से आप कुछ थीम देख रहे हैं देखने के लिए मिल रहा है ये साड़ी का ऊपर में। जैसा कि हमारा यहाँ सबका वेडिंग का टाइम में जैसा कि हमने देखने के लिए मिलता है घर में, उसी का थीम को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है हैप्पी वेडिंग, उसको ओडिया में लिखा हुआ है शुभ विवाह, उसके थीम का ऊपर में लिखा हुआ है ये साड़ी का ऊपर में। और इसी का साथ में आप देख रहे हैं कहाँ पर गाना बज रहा है, कहाँ पर ढोल बज रहा है, इस तरह का थीम इसमें है। और दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हैं, आप देख रहे हैं पूरी साड़ी में ऐसे पूरा साड़ी का लोकेशन ही आप देख रहे हैं, दूल्हा दुल्हन है शादी का ऊपर में ये साड़ी बना हुआ है पूरा, हम बोल सकते हैं इस थीम को। और ये लेटर जो लिखा हुआ है ना शुभ विवाह, ये ओडिया में लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है ये साड़ी का ऊपर लिखना, और ये ओडिया में लिखा हुआ है जो शादी का होती है शुभ विवाह लिखा हुआ है। और ये आप देख रहे कलर्स ये सब कोणार्क आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ी है जो एकदम नया है हमारे पास priyaodisha.com पर। आप देख रहे पूरी साड़ी का डिजाइन, और इसके साथ आप देख रहे इसका पल्ला भी बहुत ही खूबसूरत है इसका आप देख रहे पल्ला में भी डिजाइन है शुभ विवाह लिखा हुआ है, और ढोल वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये आ जाएगी ब्लाउज पीस बिल्कुल प्लेन के साथ रेड का बॉर्डर आ जाएगा। तो आइए मैं साड़ी को कैसा लगता है पहन के आपको बताती हूँ। ये साड़ी बहुत ही एक्सक्लूसिव साड़ी है, ये देखिए पूरी बॉडी का ये आ जाएगी डिजाइन, और इसके बाद ये आ जाएगी बॉर्डर आप देख रहे हैं। इसके साथ ये पल्ला का डिजाइन, पल्ला की डिजाइन भी बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, इसके साथ ये आ जाएगी
ब्लाउज पीस। आइए और एक साड़ी आपको बताते हैं, और ये बहुत ही पुराना डिजाइन जो बोलते हैं, हमारी ट्रेडिशनल साड़ी तो सब पुराने होते हैं, लेकिन ये डिजाइन नवो कोठी डिजाइन होती है। इसमें नो कोठी बनाकर इसमें जो डिजाइन अलग अलग दिया हुआ है, इसको नवो साड़ी का जो नवो कोठी बोल रहे हैं, वो साड़ी में ये जो बॉक्स बना हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा बॉक्स इसमें से, और बॉक्स का अंदर में सभी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना हुआ है। इसके ये इकत का ऊपर में है ये साड़ी आप देख सकते हैं, और ये मेरून कलर का ऊपर में ये जो बॉक्स बना हुआ है आप देखिए, ये बॉक्स जो है ये वाला एक एक कोठी है बॉक्स, इसमें एक एक डिफरेंट का बना हुआ है, मोटिफ दिया हुआ है, मंदिर दिया हुआ है कोणार्क फूल से, शंख है, इसी को आप 9 बॉक्स इसमें है जी सामने में, इसीलिए इस साड़ी को नवो कोठी बोलते हैं, नवो कोठी डिजाइन बोलते हैं। और डिजाइन का आप देख रहे हैं, हर साड़ी पूरा बारीक डिजाइन हुआ है और पूरा भरा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, और इसका जो सांग हरिण मंदिर, इसका जो हमारी जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उनका सब बना हुआ है आप देख रहे हैं। और इस साड़ी का कोई कंट्रास्ट कलर नहीं, इसका बॉर्डर भी मेरून कलर की है, और इसका पल्लू भी देख रहे हैं, ये लक्ष्मी जी का पादुका बना हुआ है रंगोली डिजाइन बनाकर, और इसके साथ ये आ जाएगी ब्लाउज पीस विथ बॉर्डर के साथ। तो आइए मैं इसको ड्रेप करके बता देती हूँ, ये देखिए पूरा बॉडी का डिजाइन आ जाएगा ये, और इसके साथ ये ट्रेडिशनल बॉर्डर, और इसके साथ ये आ जाएगी पल्लू, और ये ब्लाउज पीस। आइए और एक साड़ी आपको बताते हैं, ये व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन सबको अच्छा लगता है, व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन, और ब्राइट भी होती है व्हाइट ब्लैक एंड मेरून कॉम्बिनेशन, इस ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन होता है उड़ीसा की। तो आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट ब्लैक, इसका जो डिजाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं, फूल का डिजाइन बना हुआ है, और ये साड़ी का नाम भी एक अलग ही है, ये साड़ी का नाम बागमबरी है ये साड़ी का नाम। तो आप देख रहे हैं चेक्स के साथ ये आप फूल का डिजाइन बना हुआ है, ये पूरी ऑल ओवर साड़ी का डिजाइन ही आ जाएगी, और इसके साथ ब्लैक कलर की बॉर्डर दिया हुआ है जो रुद्राक्ष के बॉर्डर है, और इसके साथ ये आ जाएगी इकत के आंचल, इकत ब्लैक कलर, दिस ट्रेडिशनल आंचल, और इसी के साथ में ये ब्लैक कलर प्लेन विद बॉर्डर ये ब्लाउज पीस। तो आइए इसको ड्रेप करके बताती हूँ आपको, ये देखिए व्हाइट ब्लैक तो हमेशा ब्राइट होती है आप देख रहे हैं, और इस साड़ी का नाम भी बागमबरी साड़ी है, इसमें हर कलर हमारे पास अवेलेबल है, आप कॉन्टेक्ट कर भी व्हाट्सएप में देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है priyaudsa.com, उसी पर ये साड़ी सभी अवेलेबल है, और इसका डिफरेंट कलर भी अवेलेबल है जी, और इसके साथ ये बॉर्डर आ जाएगी, इसके साथ ये पल्लू ट्रेडिशनल पल्लू है, और ये आ जाएगी ब्लाउज पीस ब्लैक कलर की। आइए और एक साड़ी आपको बताते, हमने तो साड़ी इकत वाला दिखाया, अभी हम बोमकई आपको दिखाने वाले हैं, बोमकई हमारा थ्रेड वर्क का ये डिजाइन आप देख सकते हैं, ये पूरा सिंपल बूटी है, और इसका बहुत ही ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन का ये साड़ी है आप देख सकते हैं, बहुत ही गॉर्जियस कलर ये है, लेमन येलो कलर है, और इसके बेस में आप देखिए इसका जो बॉर्डर है बहुत ही ब्राइट कलर ब्लू का साथ में ये येलो कलर बहुत ही ब्राइट है, और इसका बीच में तो आप जानते हैं कि बोंकाई में बूटी होती है पूरे बॉडी पे, ब्लू कलर का बूटी है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं ये एक अंचल पूरा ब्लू कलर का है, और इसके साथ में ये ब्लाउज पीस पूरा ब्लू कलर विथ बॉर्डर, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन था, इसलिए आपको सामने में ये साड़ी हमने दिखाया जी, बोंकाई का एक कलर ज्यादा वर्क पसंद नहीं है, एक एक बूटी का सिंपल साड़ी है लेकिन गॉर्जियस है ये संबलपुरी बोंकाई साड़ी आप देख रहे हैं, पूरी साड़ी का एक एक बूटा बना हुआ है, और एक बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत साड़ी है इसका, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, इसके साथ ये बॉर्डर आ जाएगी, ये ट्रेडिशनल जो हमारी बोंकाई का पल्ला होती है आप देख रहे हैं, ये थ्रेड वर्क का डिजाइन बना हुआ है, और इसके साथ ही आ जाएगी ब्लाउज पीस। आइए और एक साड़ी आपको बता दें, और भी आपको एक हमारी ट्रेडिशनल साड़ी दिखाएंगे
जो इस साड़ी का नाम ट्रेडिशनल हमारा सिल्क सिटी का ये साड़ी है जी। हमारा ब्रह्मपुरी को हमारा उड़ीसा में सिल्क सिटी बोलते हैं, जैसा कि आप रेशम सिटी ये वाला जो साड़ी है इसका नाम है ब्रह्मपुरी पाटो। ब्रह्मपुरी साड़ी का ये फेमस होती है, इसका जो बॉर्डर और आंचल इस साड़ी का हम दिखाते हैं आपको। ये ब्लू कलर की साड़ी है और इसके साथ में आप देख सकते हैं बहुत ब्राइट कलर, जैसा कि हमने येलो कलर का साड़ी हमने दिखाया है बोंकाई का, इस तरह का आप देखिए ये ब्रह्मपुरी साड़ी है। ब्लू का साथ में ये पैरेट ग्रीन कलर, बहुत ही ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन का ये बॉर्डर दिया हुआ है और इसके साथ में ये डिफरेंट का इसका जो थोड़ा कुमका आपको बना जो बना हुआ है इसका डिफरेंट है। और इसके साथ में ये आपका आंचल देखिए, आंचल ब्रह्मपुरी साड़ी का ये जो आंचल है सब साड़ी के से ये अलग आंचल डिफरेंट डिजाइन का ये आंचल है, ये स्पेशल होती है ये साड़ी का आंचल में। और इसके साथ में ये ब्लाउज पीस ब्लू कलर विद बॉर्डर, आप देख रहे हैं ब्रह्मपुरी पाटो। तो मैं इसको ड्रेप करके बताती हूँ, ये ब्रह्मपुरी का साड़ी पाटो है, आप देख रहे हैं ये पूरा बॉडी का डिजाइन है, बूटी है, आप देख रहे हैं ब्लू के साथ ग्रीन कलर की बूटी बना हुआ है बॉडी में, और इसका जो बॉर्डर देख रहे हैं ये पैरट ग्रीन का बॉर्डर है, और इसका जो कुम का डिजाइन बना हुआ है ना ये फोड़ा कुम डिजाइन है, पूरा डिफरेंट इसका कुम है, और इसके साथ ये बॉर्डर और ये पल्लू, पल्लू में देखिए ग्रीन के साथ ये ब्लू कलर की बूटा बना हुआ है, और बॉडी में ब्लू में ग्रीन बूटा है लेकिन इसका पल्ला में ग्रीन में ब्लू का बूटा बना हुआ है। और इसके ब्लाउज पीस में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के ब्लाउज पीस दिया हुआ है, इसका बूटा भी डिजाइन बना हुआ है, आप देख रहे हैं कंट्रास्ट कलर की कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ब्लाउज पीस, बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए और एक शेड आपको बताते हैं, इसी तरह का इस तरह ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन का ब्रह्मपुरी साड़ी में और 400 ज्यादा कलर हमारे पास में है, वो हमारा वेबसाइट priyavatsara.com पर सभी अवेलेबल है। ये एक साड़ी देखिए, ये एक साड़ी है हमारे पास में और ये ट्रेडिशनल की साड़ी है, ये आप देख सकते हैं ये जो साड़ी है ये एक इकत के फैब्रिक इकत का साड़ी है, लेकिन इसका बीच में जो डिजाइन है ये पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग। और ये हैंड पेंटिंग तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट चित्र का साड़ी दिखाया है, और ये भी पोर्ट्रेट चित्र है, पोर्ट्रेट चित्र में ये एक हमने ट्रेडिशनल का जो डिजाइन हमने इस साड़ी का ऊपर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें रामायण का स्टोरी बना हुआ है, राम जी कैसे ऐसा धनु मतलब शिक्षा ले रहे थे या धनु कैसे कर रहे थे वो ही का पैटर्न इस साड़ी में लेकर आए हैं, हैंड पेंटिंग पट्टचित्र साड़ी में आप देख रहे हैं रामलीला। और इसके साथ आप देख रहे हैं इसका जो बॉर्डर डिजाइन बना हुआ है ना राम सीता की शादी का, ये वाला देखिए इसका बॉर्डर में भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं राम सीता दोनों साइड बॉर्डर आ जाएगी, और पूरा बॉडी में आप देख रहे हैं एक एक मोटिव बना हुआ है। और इसके साथ आप देख रहे हैं पल्लू, इसका खासियत होती है पल्लू, आप देखिए पल्लू में एकदम स्टोरी बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये वाला। और इसके साथ ये आ जाएगी ब्लाउज पीस, रॉलिंग के साथ आ जाता है ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस में भी आप देख रहे हैं विद बॉर्डर के साथ इसका एक मोटिव भी दिया हुआ है दोनों। तो आइए मैं इसको ड्रेप करके आपको बताती हूँ ये साड़ी का, और इस साड़ी का कलर बहुत ही डिफरेंट कलर है, हम इसको मस्टर्ड येलो भी नहीं कह सकते हैं, इसको गोल्डन येलो बोल सकते हैं ये साड़ी का कलर। इसका जो कॉम्बिनेशन दिया है बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये पूरा बॉडी का डिजाइन आ जाएगा, और इसके साथ इसका बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, देखते दोनों साइड में बॉर्डर है इसका, और ये वाला पल्लू की डिजाइन ये वाली, और इसके साथ ही आ जाएगा ब्लाउज पीस रॉनिंग में। आइए और एक साड़ी आपको बता दें, आप देख रहे थे हमारा ये आज का स्पेशल एपिसोड में हमने कुछ आपको एक्सक्लूसिव साड़ियाँ हमने लेके आए हैं, जिसमें से सिल्क साड़ी हमने दिखा सकते हैं दिखा ले, और एक साड़ी हमने दिखा रहा है कॉटन इकत साड़ी, और कॉटन का जो बारीक डिजाइन होते है ना और सिल्क से भी ज्यादा बारीक कॉटन में दिखने के लिए मिलता है ये साड़ी का, आप देखिए ये जो साड़ी का एक स्टोरी है, जो साड़ी आप देख रहे हैं ये बाल लीला मतलब श्री कृष्ण जी का बाल लीला है, आप देख रहे हैं कैसे ये वाला पूरी जो साड़ी का मोटिव है ना, पूरी मोटिव इसमें बना हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जी मथुरा में राम लीला करते थे उसी टाइम का ये पूरा थीम
उसी पे क्या क्या करते थे उसी को इस साड़ी का ऊपर में पूरा लाया है हमारा वीवर्स ने, और ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, फिर भी हमारी वीवर्स प्रोमिनेंट इसका थीम को लाया है। जी बहुत ही खूबसूरत इसका साड़ी का, पूरी साड़ी का मोटिव ये डिजाइन बना हुआ है। और इसके साथ इसका जो बॉर्डर है आप देख रहे हैं रेड कलर की बॉर्डर है, और इसके साथ ये पल्लू की डिजाइन, ये देखिए पल्लू की डिजाइन भी माँ कैसे ये करते हैं वो भी इसका डिजाइन बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, हम कुछ बोल नहीं सकते ये साड़ी के बारे में, इतना पूरी की पूरी साड़ी हमने बोलते जाएंगे तो ये पूरा कृष्ण जी का जो लीला है, पूरा बच्चे का टाइम में हमने मथुरा पे देखे हुए हैं उनका जो नटखट का पूरा छवि इस साड़ी का ऊपर में पूरा लाया है, इस तरह वो वहाँ पर चलते थे। और ये इसका ब्लाउज पीस आप देख सकते हैं रेड कलर विद बॉर्डर। तो आइए इस साड़ी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये साड़ी देखिए ये प्योर कॉटन संबलपुरी इकत का मास्टर वीवर्स पीस ये वाला है, आप देख रहे पूरा बॉडी का डिजाइन ही आ जाएगा, और इसके साथ ही आ जाएगी बॉर्डर और ये पल्लू की डिजाइन इसके साथ, इसका रेड कलर की बॉर्डर के साथ आ जाएगी। आइए और एक शेड आपको बताते हैं, ये भी हम हबसपुरी डिजाइन जैसे ट्राइबल क्रिएशन साड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये भी उड़ीसा की साड़ी होती है, ये जो आदिवासी का लोग होते हैं हबसपुरी साड़ी तो हमने बहुत सारे भी दिखाया था पहले बार, लेकिन इस तरह हबसपुरी हमने क्यों दिखाया, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही रेयर कलर कॉम्बिनेशन, ये आप कलर का एक देखिए ये ग्रीन कलर है लेकिन बहुत ही लाइट ग्रीन कलर आपके सामने में है, और इसी का साथ में ब्लैक कलर का बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं इस साड़ी का ऊपर। और इसका जो डिजाइन है ये बोमकाई का डिजाइन है लेकिन ये हबसपुरी डिजाइन और भी खूबसूरत इस साड़ी को बना देते हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन का साथ में ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगते है। ये साड़ी आप देख सकते हैं इसका जो पल्लू है पल्लू भी ब्लैक कलर की है, और इसका हबसपुरी का पांचल इसका राउंडिंग में ब्लाउज पीस रह जाता है, ये ग्रीन कलर आप देख सकते हैं एंडिंग में। तो आइए मैं उसको ड्रिप करके बताती हूँ, ये साड़ी बहुत ही सोबर कॉम्बिनेशन है इसका, आप देख रहे हैं पिस्ता ग्रीन बहुत ही लाइट कलर है, और इसके साथ जो ब्लैक का बॉर्डर दिया हुआ है ना, ये हबसपुरी एकदम एक्सक्लूसिव जो होता है हमारी ट्राइबल क्रिएशन साड़ी, हर साड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिज़ाइन हबसपुरी का बोलते हैं, ये हबसपुरी डिज़ाइन है, ये ऑल ओवर बॉडी का प्लेन रह जाएगा, इसके साथ बॉर्डर और इसके साथ ये आ जाएगा पल्लू की डिज़ाइन, और इसके साथ ये राउंडिंग में ब्लाउज पीस। आइए और एक साड़ी आपको बताते हैं, और एक कॉटन एक्सक्लूसिव इकत कलेक्शन आप देख रहे हैं। आज का एपिसोड में हमने बहुत सारे आपको एक्सक्लूसिव साड़ियां दिखा रहे हैं जिसमें से बहुत सारे बारीक बारीक डिजाइन का काम किया हुआ है, हम जो भी साड़ी दिखा रहे हैं ना सब एक एक का डिजाइनर पीस दिखा रहे हैं आपको, बस एक एक पीस होती है साथ साड़ी का। ये वाला भी देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, आप देखने से पता चल रहा है आपको ये साड़ी का क्या थीम बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये साड़ी का। और ये वाला देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये साड़ी का ऊपर में अभी जैसा यंग जनरेशन लेकर ये साड़ी का ऊपर में कुछ थीम हमारा वीवर्स लोग ने लाया है, जैसा कि आप बोल सकते हैं इसको जैसे कि वैलेंटाइन डे का ऊपर में ये साड़ी था, उसी को अभी अभी हमारा पास में आया हुआ है ये साड़ी। और ये डिजाइन दिखने के लिए जितना अच्छी लग रही है ना उसको पहनने के बाद ही बहुत अच्छा लगेगा ये साड़ी, प्रपोज टाइम का ये पूरा थीम इस साड़ी का ऊपर में है। और इस जो उर्वश ने बनाया है बहुत ही खूबसूरत से बनाया है ये साड़ी, ये पूरा ऑल ओवर बॉडी का डिजाइन ही आ जाएगा, और ऊपर वाला आप देख रहे ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर की है और नीचे का रेड कलर का, और इसका जो बॉर्डर देख रहे हैं ना बॉर्डर चौड़ा सा बॉर्डर है आप देख रहे हैं, चार रुद्राक्ष बॉर्डर नीचे है और ऊपर बीच में इकत का डिजाइन है जो मल्टी कलर अल्टरनेट का कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद और भी चार लाइनिंग रुद्राक्ष का बॉर्डर है चौड़ा बॉर्डर है, और इसके साथ की इसका जो थीम का डिजाइन है बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और इसके साथ आप देख रहे हैं पल्लू
पल्लू में भी वही डिजाइन बना हुआ है जो जो साड़ी में बना हुआ है, इसका पल्लू में भी वही डिजाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये आ जाएगा ब्लाउज पीस रेड कलर की बॉर्डर के साथ। तो आइए मैं इसको ड्रेप करके बताती हूँ ये साड़ी कैसा लग रहा है। ये देखिए इसका जो बॉर्डर है चौड़ा सा बॉर्डर है, और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं मोटिव, ये मोटिव ऊपर का मोटिव ये आएगा और नीचे का मोटिव ये आ जाएगा रेड कलर की, और इसके साथ ये चौड़ा बॉर्डर, और इसके साथ ये पल्लू की डिजाइन, और ये आ जाएगा ब्लाउज पीस रेड कलर के बॉर्डर के साथ। आइए और एक साड़ी आपको बता दें, और ये संबलपुरी इकत साड़ी है जो स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन बना हुआ है, ये भी बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। आप कलर कॉम्बिनेशन का साड़ी है, और ये साड़ी बहुत ही हमारा जो कॉटन का काउंट है बहुत ही बहुत ये वाला 150 काउंट्स का कॉटन का है, बहुत ही फाइन कॉटन, पूरी हल्की साड़ी है ये कॉटन का, जैसा कि आपको बहुत सारे कम्फर्टेबल लगता है ये साड़ी पहनने से। और इस साड़ी का जो डिजाइन बना हुआ है ये बड़ा सा चेक्स है के भी जो डिजाइन है, जो बूटी बना हुआ है अल्टरनेट का कॉम्बिनेशन बूटी बना हुआ है आप देख रहे हैं, बूटी का भी डिजाइन अलग बना हुआ है, और पूरा बॉडी का ये चेक्स आएगा। और इसके साथ ये जो बॉर्डर देख रहे हैं बॉर्डर टेम्पल, इसका जो टेम्पल का डिजाइन भी है ये फोड़ा कुंभ का टेम्पल बना हुआ है, उसके साथ एक एक दिया हुआ है आप देख रहे हैं बूटियाँ। इसके साथ इसका जो पल्लू की डिजाइन एकदम ट्रेडिशनल पल्लू का डिजाइन बना हुआ है, शंख शंख बना हुआ है आप देख रहे हैं ये पल्लू की डिजाइन। और इसके साथ ही आ जाएगी ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस स्ट्राइप दिया हुआ है, बॉडी चेक से है लेकिन ब्लाउज स्ट्राइप का है। तो आइए ये भी एक सोबर कलर कॉम्बिनेशन का साड़ी है, ये साड़ी डिजाइन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है आप देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छी है, ये पूरा बॉडी का डिजाइन आ जाएगा। और इसके साथ ही आ जाएगी बॉर्डर प्लेन के साथ कुंभ का डिजाइन बना हुआ है इसका, इसके साथ ये पल्लू की डिजाइन, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस एकदम स्ट्राइप में। और एक साड़ी आपको बता दें, ये भी हम देख रहे हैं ट्राइबल क्रिएशन साड़ी है, जो इस साड़ी को सिमिनोई साड़ी बोलते हैं, इसको इसको सिमिनोई साड़ी बोलते हैं आप देख रहे हैं, इस साड़ी का नाम ही अलग है आप देख रहे हैं, ये वाला ये ब्राइट पिंक के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये साड़ी बिल्कुल अलग है, इसका बॉर्डर बॉर्डर अलग होती है, लेकिन ये जो सिमिनोई साड़ी आप देख रहे हैं इसका बॉर्डर अलग है, और इसका जो आंचल भी है वो भी अलग रहता भी अलग है, और बीच पे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, पूरा प्लेन कलर है, पिंक कलर आप देख सकते हैं, और ब्लैक कलर इसमें बॉर्डर, और इसके साथ में ये देखिए इसका आंचल, सिमिनई साड़ी का ये आंचल होती है, आंचल होती है हर साड़ी में, ये आंचल रहता है सिमिनई साड़ी का, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन सिमिनई डिजाइन में ये डिजाइन मिलेगा, नहीं तो कोई साड़ी में नहीं मिलेगा। और ये ट्राइबल ट्रेडिशनल साड़ी है, हर साड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो नहीं जानते है ना वो संबलपुर साड़ी नहीं समझेंगे, लेकिन ये संबलपुर साड़ी है हमारी, और इसमें ब्लाउज पीस रनिंग में आ जाएगी, और ये साड़ी का भी हमारे पास में बहुत सारे कलर्स है, वो हमारा वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसका लेंथ इसका प्राइस जानना है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए priyaodisha.com, ये पूरा बॉडी का डिजाइन आ जाएगा, और इसके साथ ये बॉर्डर, इसके साथ ये आ जाएगा पल्लू, मल्टी कलर का पल्लू है, और इसका रनिंग में ब्लाउज पीस आ जाता है। आप देख रहे थे आज का ये स्पेशल एपिसोड, हमने बहुत सारे साड़ी आपको दिखाया कॉटन और सिल्क का ऊपर में, और सभी एक्सक्लूसिव साड़ी जी, इसी एक तरह का साड़ी, कोई साड़ी ऐसे नहीं है जो एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसी तरह का हमारे पास में बहुत सारे साड़ी आया हुए हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट है priyaodisha.com, उसी पर ये साड़ी सभी अवेलेबल है, आप चाहिए तो हमारा वेबसाइट देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक आईडी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का बहुत सारे न्यू कलेक्शन देखने के लिए हम न्यू एपिसोड लेकर आए हैं, इसी इसी हमारे साथ जुड़े रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।